बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ करती हूँ अल्लाह पाक परवरदिगार आप लोगों को हमेशा खुश रखे, आमीन। जी तो आज हमारे किचन में बन रहा है कोल्ड कॉफी। जो कॉफी के लवर होंगे तो उन्हें जरूर पसंद आएगी। बहुत यम्मी सी और क्रीमी से कोल्ड कॉफी बनकर हमारी रेडी होगी। चलिए देख लेते हैं इसके लिए क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो इसके लिए चाहिए हमें, यहाँ हमने 2 ग्लास दूध ले लिया है, 1 टेबल स्पून लेंगे हम कॉफी के। यहाँ पर मैं नेस्कैफे की यूज़ कर रही हूँ, आपके पास जो भी हो आप वो यूज़ कर लीजिएगा। और 2 टेबल स्पून लेंगे यहाँ शुगर, यहाँ मैंने किसी भी शुगर लिए, आप चाहे तो नॉर्मल रेगुलर शुगर भी ले लेंगे। तो सबसे पहले हम 1 ग्लास ले लेंगे खाली, उसमें 2 टीस्पून हम कॉफ़ी के ऐड करेंगे और 2 टेबल स्पून हम ऐड करेंगे शुगर के। 2 टेबल स्पून के करीब हम यहाँ पानी ऐड कर देंगे। अब इसे चाहे तो आप स्पून से अच्छे से फेंट लीजिए या फिर इस तरह का कोई मिक्सर ले लीजिए और उसे फेंट लीजिए। मैं इससे फेंटती हूँ। जी तो यहाँ पर हम जब तक ग्लास को रेडी कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा सा इसको चॉकलेट सिरप से डेकोर कर लेते हैं। इसमें इस तरह आप घुमाते जाइए और फिर इस तरीके से करते जाइए। जी तो देखिए इस तरह हमने ग्लास में चॉकलेट सिरप डाल दिया है। अब इसी तरह हम दूसरा ग्लास भी रेडी कर लेते हैं। यहाँ हम ब्लेंडर जग में सबसे पहले 2 ग्लास दूध डालेंगे। दूध बिल्कुल ठंडा होना चाहिए क्योंकि इससे फिर हमारी कॉफ़ी बहुत अच्छी फ्लफी बनेगी। साथ ही ऐड कर देंगे 3 से 4 बर्फ के क्यूब्स, ये भी डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे कॉफ़ी बहुत अच्छी रेडी होगी। साथ ही ऐड कर देंगे इसमें हम 2 बड़े चमचे कॉफ़ी के, 2 बड़े चमचे शुगर के। और अच्छा देखिए मैं बताना आपको भूल गई थी, इसका मेन इंग्रेडिएंट जिससे हमारी कॉफ़ी बहुत अच्छी और क्रीमी सी रेडी होगी वो है मिल्क पाउडर। यहाँ हम 2 चमचे भर भर के मिल्क पाउडर भी ऐड करेंगे। चले हम इसे ग्राइंड करते हैं। जी तो यहाँ पर देखें कितने अच्छे से कॉफ़ी ग्राइंड हुई है हमारी, बहुत फ्लफी सी। चलिए अब इसको ग्लास में सर्व करते हैं। तो यहाँ हम इसे ग्लास में सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें कितनी क्रीमी सी और कितनी स्मूथ सी रेडी हुई है। देखिए यहाँ पर जो हमने कॉफी को बीट करके रखा था, अब हम थोड़ा सा इसमें से लेंगे और इसमें इस तरह ऊपर थोड़ा सा डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।